हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर की रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन, क्लीजन कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, इन सब रिएक्शन को कवर कर लिया था। इन सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म को कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करेंगे पर्किन रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हुआ करती है पर्किन रिएक्शन, है ना। इसकी मैकेनिज्म आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया करती है। सबसे पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं, ये रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। देखो जरा, पर्किन रिएक्शन में होता क्या है, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। ये क्या है, सोडियम एसिटेट, और सिनेमिक एसिड बनता है। ये क्या बना आपका, सिनेमिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा आपका, सिनेमिक एसिड। ये है आपका सिनेमिक एसिड, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, सोडियम एसिटेट। क्या फॉर्म हुआ करता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ करता है। यही रिएक्शन पर्किन रिएक्शन कहलाती है, इसी क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन बोला करते हैं। इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपको लिखना होता है। तो मैकेनिज्म हम लोग स्टेप बाय स्टेप को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टेप में होता क्या है, जितनी भी आप लोगों ने अभी तक रिएक्शन पढ़ी है एल्डिहाइड और कीटोन की, मैकेनिज्म को कवर किया है आपने, हमसे जितनी भी रिएक्शन पड़ी है एल्डिहाइड कीटोन की, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल करते हैं, मतलब कार्बन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एक पैटर्न पर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन मैकेनिज्म जाती है, तो उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे जिससे बहुत आसान हो सके मैकेनिज्म। तो सबसे पहले स्टेप में क्या कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यहाँ पे क्या बना करता है, कार्बन आयन। क्या बना करता है, कार्बन एनायन बना करता है, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, सबसे पहले क्या होता है, जिसकी प्रेजेंस से सोडियम एसिटेट, उसकी ब्रेकिंग होती है CH3COO- और Na+। उसके बाद ये जो सोडियम एसिटेट का एसिटेट आयन है, ये जो एसिटेट आयन है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लिया करता है। कैसे, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्राइड ग्रुप से जो कार्बन होगा उसे हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। देखो ये जो है आपका, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये वाला ग्रुप क्या है, एनहाइड्राइड ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे ना। यहां से H निकल जाता है, यहां से H जो होगा H+ के फॉर्म में निकलेगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये H+ जो होगा एसिटेट आयन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा, उसके बाद यहां पर निगेटिव आ जाएगा, तो आपका कार्बन आयन ये फॉर्मेशन होता है। पर्किन रिएक्शन में जो कार्बन आयन बना वो कौन सा कार्बन आयन बना, कुछ इस तरीके से ये वाला कार्बन आयन बना, ठीक है। ये कार्बन आयन यही न्यूक्लियोफाइल का काम क्या करता है, ये जो कार्बन एनायन बना वो किस पर अटैक करेगा, आपका बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर। ये जो आपका कार्बन एनायन बना हुआ है वो किस पर अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ कार्बन एनायन, आप लोग लिख लीजिए, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, सेकेंड स्टेप की मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, है ना। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, अटैक ऑफ कार्बन एनायन ऑन बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, आप लोग लिख लीजिए, हम डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं। ये आपका बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये आपका बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इस पर अटैक करेगा कार्बन आयन, ये है आपका कार्बन आयन इतना बड़ा सा, ठीक है। किससे बना ये वाला कार्बन आयन, एसिटिक एनहाइड्राइड से। कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरीके से, यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, पता है आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व की है। ये नेगेटिव किस पे जुड़ेगा जाके, जहां पॉजिटिव होगा, ये कहां पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, जरा समझे ध्यान से, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीएनायन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। बहुत सारी रिएक्शन में जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में भी ऑक्सीएनायन बना था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी ऑक्सीएनायन बना था, है ना। तो यहां पर ऑक्सीएनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ऑक्सीएनायन का क्या होता है, आपको पता है ना, ऑक्सीएनायन का हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं, सारी एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जैसा किया था वैसे ही हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ये क्या बन गया, ऑक्सीएनायन बन गया, ये क्या है, इसका नाम क्या देंगे आप लोग, ऑक्सी एनायन देंगे। तो सेकंड स्टेप में ऑक्सीएनायन का फॉर्मेशन हुआ करता है। अब थर्ड स्टेप में होगा क्या, ऑक्सीएनायन का प्रोटोनेशन कर देंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीएनायन,
थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ, आप लोग थ्योरी लिख दीजिएगा, हम रिएक्शन करेंगे। थर्ड स्टेप में लिखेंगे प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सी एनाइन। तो ये जो ऑक्सी एनाइन बना हुआ है, ये जो ऑक्सी एनाइन बना हुआ है, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोटोनेशन कर देते हैं। ये आपका ऑक्सी एनाइन का प्रोटोनेशन कर दिया। अब आप पूछेंगे सर प्रोटॉन कहां से आया, H+ कहां से आया, ये देखो एसिटाइन बना तो एसिटिक एसिड बना तो है ना, इसी से हम लोग H+ को ले लेंगे, प्रोटोन प्रोटोनेशन कर देंगे। ये प्रोटॉन कहां जाएगा, इस नेगेटिव पे जाएगा, कहां टक्करेगा जाके, इस नेगेटिव के पास। अब क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, जरा देखो फॉर्मेशन हो गया कुछ इस तरीके से, OH H CH2 CO O CO CH3। देखो जरा इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाया करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में, ये समझ में आ गया आपको, H+ कहां अटैक करेगा, O नेगेटिव पर, है ना। ये ऑक्सीजन का जैसे हम प्रोटोनेशन करेंगे तो H+ कहां अटैक करेगा, O नेगेटिव पर, है ना। तो इस ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करके हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो फोर्थ स्टेप में आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे क्या लिख देंगे, हम लिख दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जरा ये जो आपका ये जो कंपाउंड बना है उसे हम लोग हीट करते हैं, यहाँ पर भी आप लोग हीटिंग सेल लगा लीजिएगा, और सिनेमिक एसिड फॉर्म होता है ना यहाँ पे, किस तरीके से जरा समझिए ध्यान से। देखो जरा जब हम इसे हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन कैसे, डिहाइड्रेशन नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म आपने देखी है ना, जिस कार्बन से OH है उस कार्बन से OH जाएगा, बगल वाले से H निकलेगा, जिस कार्बन से OH है वहां से OH, उसके बगल वाले कार्बन से H, और H और OH के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। H और OH के बीच में क्या बन जाएगा, सॉरी फिर से सुनना ध्यान से, जिस कार्बन से OH है वहां से OH निकला, यहां से H, और जिनसे OH और H निकला है उन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से सुने, डिहाइड्रेशन जिस कार्बन से OH है वहां से OH निकल जाएगा, और बगल वाले से H, और CH और इस CH के बीच में, इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जस्ट देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से CH3 CH, देखो यहां से OH यहां से H, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, डिहाइड्रेशन पढ़ा है ना आपने, है ना, एल्को चैप्टर में पढ़ा है ना डिहाइड्रेशन, ठीक है। देखो जरा तो ये बन जाएगा आपका, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक समझ में आ गया आपको। कभी भी एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस किया करते हैं हम लोग, ये H2 निकल गया आपका। अब यहां पर एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करता हूं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, एनहाइड्राइड का कभी भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुने, एनहाइड्राइड का कभी भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा यहाँ पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन और सीओ के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है ना, इस यहाँ पे नेगेटिव होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। H2 कैसे ब्रेक होता है, H2 कैसे ब्रेक होगा, H+ और OH- माइनस, H+ कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव के पास, OH- माइनस कहाँ जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो H+ कहाँ जाएगा, इसके पास, OH- माइनस कहाँ जाएगा, इसके पास, बनेगा क्या जरा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखो CH3 है CH3 लिखा, CH CH लिखा डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CO और OH का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम लोग बोला करते हैं सिनेमिक एसिड, क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड बोला करते हैं, ठीक है। अब ये जो H+ होगा वो इससे रिएक्शन कर लेगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको नीचे देखिएगा, चलो हम लिख दे रहे हैं CH3 COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, हाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रकृति रिएक्शन हुआ करती है। फिर से सुने ध्यान से, देखो जरा प्रकृति रिएक्शन में होता क्या है, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, क्या फॉर्मेशन होता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ करता है। इसकी मैकेनिज्म कैसे करते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने चार स्टेप में कंप्लीट की, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो जरा पहले स्टेप पे क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे किया हम लोगों ने, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल का जो फॉर्मेशन करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कार्बन आयन के फॉर्म में होता है। न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे किया, जो प्रेजेंस है उसकी ब्रेकिंग करा ले, सी एस सी सीरोलो, यानी कि ब्रेकिंग करा ले सी एस सी सीरोलो माइनस और एन ए प्लस का फॉर्मेशन हो
गया। उसके बाद एस्टिक एनहाइड्राइड से वहां से अल्फा एच ले गए हम, है ना, प्रोटॉन के फॉर्म में H+ के फॉर्म में, तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, ये H+ इससे रिएक्शन कर जाएगा, यहां पे नेगेटिव कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो कार्बेनाइन है वही आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो कार्बेनाइन है बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब तो दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, अटैक ऑफ कार्बेनाइन ऑन बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, है ना। कार्बेनाइन बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देखो ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव कहाँ लगेगा इस कार्बन पे लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ऑक्सीजन का हम लोग क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे। हम लोग प्रोटोनेशन जैसे किया तो इस प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ करता है ना। अब इस कंपाउंड का हम लोग डिहाइड्रेशन करके हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सिनेमिक एसिड और एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। देखो जरा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोन में क्या किया मैंने, इसका डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, जिस कार्बन से OH है वहां से OH निकाल देंगे, उसके बगल वाले कार्बन से यहां से H निकाल देंगे, इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ गया। इस प्रकार के एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। जब भी आप एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉर्मेशन हुआ करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। हाइड्रोलिसिस किया, ये H+ और OH-, कहां से एनहाइड्राइड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और CO ग्रुप के बीच से एनहाइड्राइड की ब्रेकिंग होती है। यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो H+ प्लस कहाँ जाएगा यहाँ पर, OH- माइनस कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा, तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका सिनेमिक एसिड और एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही आपकी परकिन रिएक्शन है। अगर आपको ये परकिन रिएक्शन कंप्लीट एक बार में समझ में आए तो आप क्या कीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, आपके हाथ पे फोन है ना, जितनी बार चाहे मन जितनी बार करें उतनी बार देखिएगा, ठीक है, जितने बार चाहे आप लोग उतने बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में आ जाएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा तो तीसरी बार में आ जाएगा। बड़ी आसान सी मैकेनिज्म होती है, एक बार समझ में आने लगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।